अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं और उनकी यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। अब फंक्शनल ग्रुप्स हमने पढ़ने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक है कार्बोनाइल और दूसरा है हाइड्रोक्सिल। ठीक है, दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल। ठीक है, और कार्बोनाइल ग्रुप जो है कोई भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी या फिर कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था क्या होते हैं और कीटोन क्या होते हैं। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें हम एल्डोजिस भी कह सकते हैं और कीटोजिस, किस बेस पे जो फंक्शनल ग्रुप के साथ दूसरे आर ग्रुप प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उस लिहाज से हम कार्बोहाइड्रेट्स को एल्डोजिस या कीटोसिस नाम दे सकते हैं। अगर क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे किस बेस पे कर रहे हैं, जो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जितने नंबर ऑफ शुगर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जितने यूनिट प्रेजेंट हैं, ठीक है, और उनकी हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे हम बताएंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कौन कौन से ग्रुप्स में जो है क्लासिफाई किया जा सकता है। नंबर वन है मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, सेकंड वन है मोनोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड्स के इसके अलावा डाइसैकेराइड्स भी हैं, ट्राइसैकेराइड्स भी हैं, मोनो में एक और सैकेराइड शुगर यूनिट। ठीक है, तो मोनो के अलावा डाई भी हो सकते हैं, ट्राई भी हो सकते हैं। इसके अलावा है ओलिगोसैकेराइड्स, और है ओलिसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के नेम से जाहिर हो रहा है कि मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें जो है जिनकी मजीद ब्रेक डाउन हम नहीं कर सकते, ये सिंपल हैं। ठीक है, सिंपल वन शुगर्स हैं और इनका टेस्ट भी क्या होता है, स्वीट होता है, और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मोनोसैकेराइड से ही मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स सिंपलेस्ट शुगर्स हैं, इनमें 3 to 9 कार्बन एटम्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में, और इस बेसिस पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं, एज ट्राइओजिस, टेट्रोजिस एंड पेंटोजिस, हेक्टोजिस एंड सो ऑन। कार्बोहाइड्रेट्स को हम प्लांट्स के थ्रू सिंथेसाइज कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, किस कौन से प्रोसेस के थ्रू करेंगे, वो होगा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में हम क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल टू गिव ग्लूकोज। ये क्या है, सिंपलेस्ट शुगर्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को मेनली जो है प्लांट्स से तैयार करवाते हैं, और प्लांट्स किस प्रोसेस के थ्रू तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, किसकी प्रेजेंस में होती है फोटोसिंथेसिस, लाइट, वाटर, सनलाइट यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, और जो है ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल। ठीक है, और हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जबकि जो फोटोसिंथेसिस है इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें यूज हो रही होती है, यानी कि वाटर साथ हम क्लोरोफिल लेंगे। ठीक है,
और साथ क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगी ग्लूकोज जो कि क्या है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये दो मेन प्रोडक्ट हैं इसकी फोटोसिंथेसिस की। आगे समझ यहाँ तक देखें, इसका जो मोनोसैकेराइड्स है इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है CH2O, सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला। मोनोसैकेराइड्स जो है इनमें जो नंबर ऑफ जो एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O इन्हीं को हम इंक्रीज करते जाएंगे, मोनोसैकेराइड की यूनिट्स को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमें जो नेक्स्ट टाइप्स हैं ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड वो हमें ऑब्टेन होंगी। ठीक है, एक्चुअली जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या हैं मोनोसैकेराइड्स हैं, और जो मोनोसैकेराइड्स को में कन्वर्ट किए जा सकते हैं किसके जरिए हाइड्रोलिसिस के जरिए। ठीक है, यानी कि जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये सिंपल हैं। ठीक है, इनको हम सिंपल वन में ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन जितने बाकी ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड्स हैं जो किस पे कंसिस्ट कर रहे हैं उनमें क्या होता है मोनोसैकेराइड्स होते हैं, इनको हम ब्रेक करके सिंपल किस में कन्वर्ट कर सकते हैं मोनोसैकेराइड्स के अंदर, किसको ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स को। ठीक है, इनका जनरल फार्मूला है वो है CH2O4N। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स हम इंक्रीज कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन मोनोसैकेराइड आर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, और इनका जनरल फार्मूला होगा C6H2O4 6। यानी कि इनकी जो जनरल मोनोसैकेराइड्स की एग्जांपल्स हैं कौन कौन से हैं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये दोनों हैं मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, इनका जनरल फार्मूला यही है C6H12O6। ठीक है, जैसे कि C6H2O6 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब देखिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फार्मूला क्या है सेम है, लेकिन अगर हम हमें कहा जाए इनकी स्ट्रक्चर लिखें इनका फार्मूला साथ ये सेम क्यों आ रहा है, इसमें क्या डिफरेंस है। अगर हमें कहा जाए कि फ्रुक्टोज अलहदा किया जाए और ग्लूकोज अलहदा लिखा जाए, ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, इनका फार्मूला तो सेम है। बेशक इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6 सेम है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का, लेकिन इनका स्ट्रक्चर फार्मूला है वो क्या है डिफरेंट है। ग्लूकोज और जो फ्रुक्टोज हैं इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो क्या है डिफरेंट है। कहाँ में डिफरेंट है अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। ग्लूकोज में जो है इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, यहाँ पे एच आएगा, कितने का ऑप्शन है टोटल 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें ग्लूकोज में क्या होगा डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है डिफरेंस कहाँ पे है कार्बन नंबर 1 पे। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जब हम लिखेंगे स्ट्रक्चर किसकी फ्रुक्टोज की तो वहां पे क्या होगा किसकी प्रेजेंट होगी सॉरी क्या होगा डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे देखें जो ग्लूकोज है हम ग्लूकोज का लिख रहे हैं स्ट्रक्चर, तो ग्लूकोज में डिफरेंस है यहाँ पे कार्बन 1 पे एक का कार्बन आयल है, इसके साथ अटैच क्या है। फ्रुक्टोज में क्या होगा CH2OH, ये डिफरेंस है। कार्बन 1 पे देखें कार्बन आयल ग्रुप के साथ यहाँ पे क्या अटैच है ग्लूकोज में हाइड्रोजन, जबकि इसमें क्या अटैच है
कार्बोनाइल ग्रुप के साथ CH2 OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। यहाँ पे देखें OH H, बाकी स्ट्रक्चर क्या है, सेम होगी H OH, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है दोनों का ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सेम होगा, ठीक है। सी ट्रिपल बॉन्ड हो, उसके बाद सी ओ एच एच वन, देखें यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जो ग्रुप इसके साथ अटैच है, ठीक है। वन टू, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नंबर हमने काउंट करने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव और ये है सिक्स। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, CH2OH। कार्बन नंबर जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ फ्रुक्टोज में CH2OH ऊपर भी अटैच है और कार्बन नंबर 5 के साथ भी CH2O5 अटैच है, जबकि ग्लूकोज में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे क्या है CH2OH, ठीक है। ये इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। और हो सो आपको यहाँ से समझ आ गया, क्योंकि अब इनका नेम देखें, नेम से अगर हम कैसे इनका नेम होगा, 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनन, ठीक है। और इसका क्या नेम होगा, 1 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी 2 हेक्सानोन, यानी कि इसमें कीटोन वाला आ गया और इसमें अलमीन एल्डिहाइड, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारे पास ओलिगोसैकेराइड, नेक्स्ट टाइप है वो हम नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 34 35 उसमें देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।